तो देखिए किस तरह से अभी लोड हो रहा है जनरेटर जो कि 125 केवी का है। दोस्तों देखिए अभी एम्पलीफायर निकल रहा है और ये सब सारा चीज़ लोड होगा। और देखिए वो रहा ट्रक, उसी ट्रक पे 30 बेस लोड होने वाला है। देखिए किस तरह से ऊपर उठाते हैं और देखिए हालत सबका ख़राब हो जाता है, इतना स्टाफ है एक साथ। और बजने ही वाला है और फिर से पानी स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग भी यहाँ पे अभी फंस चुके हैं। और यहाँ पे रितेश भाई हम लोगों के लिए देखिए किस तरह का सुविधा दिए हुए हैं। अभी एक जो तिरपाल है उसको यहाँ पे दिए हुए हैं, मतलब अभी जितने भी यूट्यूबर भाई लोग हैं सबको यहीं पे सोने वाले हैं। क्या कुछ होगा, देखिए जितने भाई आए हुए हैं सब अपना ही भाई है, तो सबको सुविधा देना मेरा जिम्मेवारी है, क्योंकि भाई लोग कहीं ना कहीं यहाँ हम लोग का गोदाम आए हुए हैं, तो सबको जो है सुलाने का जिम्मेदारी मेरा है। तो ये रहा फाइनली लुक जो कि इस बार आप लोगों को न्यू लुक पे देखने को मिलेगा। ये रहा 30 बेस और मिड प्रेशर लगा हुआ है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। और दोस्तों मैं फिर से पहुंच चुका हूं चंदन क्यारी पंकज कैबिनेट हाउस जो कि सामने में आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों 15 तारीख को बोकारो में बिग रोड शो हुआ था पंकज भैया का, जो कि 30 बेस लगा था, उसमें से सिर्फ आप लोगों को 8 बेस का ही साउंड सुनाई दिया होगा। बट दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से फिर से 30 बेस लगने वाला है पंकज भैया का और काफ़ी बड़ा बिग रोड शो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों सारा चीज़ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि किस तरह से लोडिंग होता है, किस तरह से सेटअप लगता है, सारा चीज़ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और अभी लगभग बज रहा है 4:30 और 4:30 बजे से अभी सेटअप लगना स्टार्ट हो चुका है। किस तरह से लोडिंग होगा सारा चीज़ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए किस तरह से अभी लोड हो रहा है जनरेटर जो कि 125 केवी का है और इसी पे कल रोड शो होने वाला है पूरा भयानक वाला जो कि 30 बेस के साथ। तो देखिए अभी कुछ इस तरह का है अभी, बाकी अभी जनरेटर जैसे ही लोड होगा उसके बाद अभी सेटअप लगना फिर स्टार्ट हो जाएगा। ये रहा देखिए किस तरह से मेहनत करते हैं, लगभग 15 से 20 लोग लगे हुए हैं तब इसको मतलब ऊपर कर पा रहे हैं, इतना हेवी रहता है। देखिए दोस्तों देखिए अभी एम्पलीफायर निकल रहा है और ये सब सारा चीज़ लोड होगा। और देखिए वो रहा ट्रक, उसी ट्रक पे 30 बेस लोड होने वाला है और ये जो आप एंगल देख रहे हैं इसी पे 30 बेस का पूरा भार लगने वाला है। तो देखिए ये रहा अभी निकल रहा है जितने भी हैं एम्पलीफायर वगैरह, और आप यहाँ पे लगने वाला है और यहीं से लोडिंग वगैरह सारा चीज़ होने वाला है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहें, आप लोगों को सारा चीज़ दिखाऊंगा क्या कुछ होने वाला है, किस तरह से लोडिंग होगा, सारा चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। का मौसम देखिए कुछ इस तरह से हो चुका है, हवा देना स्टार्ट हो चुका है और जो अभी लोडिंग हो रहा था वो अभी फिलहाल यहाँ पर चल रहा है ट्रक पर, और अभी जितने भी एम्पलीफायर वगैरह हैं सब अभी अंदर घुस रहा है। और देखिए ये रहा हवा। दोस्तों अभी बारिश होना स्टार्ट हो चुका है और देखिए ये रहे रितेश भाई पंकज भैया के ऑपरेटर, हाई कर दीजिए, पानी गिरना स्टार्ट हो चुका है। अब क्या होगा, अब देखिए क्या होता है, आगे आप लोगों को ब्लॉग पे देखने को मिल जाएगा। फिलहाल वाटरप्रूफ सेटअप होने वाला है, फिर होगा सही। देखिए अब क्या होता है, आगे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इस जगह पे पंकज भैया बैठते हैं और सारा चीज यहीं से होता है। ये रहा देखिए यहाँ पे पीछे में भी कुछ कैबिनेट वगैरह रखा हुआ है, ये रहा पंकज भैया का, बाकी यहाँ पे भी बहुत सारा कैबिनेट वगैरह रखा हुआ है। तो यहीं पे सारा चीज़ इनका होता है, जो भी यहाँ पे लेने के लिए आते हैं, क्या इसको बोलते हैं आपका सेटअप जो भी लेने आते हैं तो यहीं से बैठ के सारा चीज़ होता है। ये है अभी छोटा मोटा बोल सकते हैं ऑफिस, बाकी यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं इसको प्रॉपर तरीके से ऑफिस बनाया जाएगा, जो कि इसी पे जितने भी क्लाइंट आएंगे उन लोग यहाँ पे बैठ के आराम से आप लोग डील कर सकते हैं क्या कुछ आप लोगों को लेना है क्या कुछ नहीं। बाकी ये रहा कैबिनेट हाउस का आप लोगों को नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन यहाँ पे विजिट आप लोग किए हुए हैं। बाकी देखिए
ये रहा, उधर तो मैं दिखा दिया हूँ कि वहाँ पे बहुत सारा कैबिनेट वगैरह रखा हुआ है जो कि लोग जो लेने के लिए आते हैं। ये रहा यहाँ पे भी, बाकी देख सकते हैं ये रहा पंकज भैया का लोगो, और वो रहा कैबिनेट जो कि शेर वाला, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस चला था, पता ही आप लोगों को। बाकी देखिए पंकज भैया, फाइनली अभी पानी रुक चुका है और जो लोडिंग का काम था वो अभी फाइनली स्टार्ट फिर से हो चुका है। और देखिए ये रहा, अभी ये एंगल फिर से लग चुका है ऊपर में, वहाँ पे एम्पलीफायर वगैरह सारा चीज़ रहेगा। फाइनली देखिए बेस लगना स्टार्ट हो चुका है, जो कि 1 2 3 4 लग गया है और अभी लगने वाला है, और 30 बेस बंधेगा। तो चलिए अब मौसम काफ़ी अच्छा है, अब सब भाई लोग काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से, अब अच्छा से होगा और जल्दी भी अब लग जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू रहिए ब्लॉग पे, सारा चीज़ आप लोगों को दिखेगा। इस तरह से एक बेस को 4-4 आदमी 5-5 आदमी लेके आते हैं। ये रहा देखिए, फिर आ गया और एक बेस, अभी 6 बेस लग चुका है और अभी जितने भी बेस है अभी लग रहे हैं, और अभी लगभग हो रहा है रात के 9 बज रहे हैं। तो अब हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए, फिर आने के बाद हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी देखिए 14 भी बेस लग चुका है, और वो और एक लग जाएगा तो 15 हो जाएगा। बाकी ये रहा 15 और 15 लगने वाला है, मतलब हाइट काफ़ी हेवी होने वाला है, जिस तरह से बोकारो पे आप लोगों को मिला था गणेश विसर्जन में, उसी तरह का हाइट फिर देखने को मिलेगा। तो अभी आप देखिए भीड़ किस तरह से है, देखिए इधर भी कुछ कुछ भाई लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे यूट्यूबर। इधर पंकज भैया फिर गोदाम तरफ जा रहे हैं, बाकी इधर भी है, देखिए यहाँ पे है उमेश भाई, यहाँ पे सुमित भाई, उधर है रितेश भाई, और भी बहुत सारे यूट्यूबर यहाँ, रूप रंजन। हाँ अभी जितने भी स्टाफ हैं, देखिए अभी जो लोडिंग कर रहे थे पंकज भैया के, अभी सबको जा रहे हैं खाना खाने के लिए, जो कि अभी रात के बज रहे हैं, दिखाते हैं आप लोगों को मैं, अभी हो रहा है 11:06 और 11:06 में अभी सब कोई डिनर कर रहे हैं। आप जैसे ही खाना खाएंगे फिर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा लोडिंग। दोस्तों मेरा नाम है उमेश, मेरा चैनल का नाम उमेश पर ब्लॉग, शायद से आप लोग भी मुझे जानते ही होंगे। और मेरा नाम है रूप रंजन, जो कि मेरा चैनल है रूप रंजन ब्लॉग्स के नाम से, जो कि मैं बोकारो से हूँ। भाई थोड़ा आप भी बता दीजिए, आप ही का चैनल, आप बताइए कि ये वीडियो किस चैनल पे अपलोड होने वाला है? ये आपके चैनल अपलोड होने वाला है, डीजे सुमित ऑफिशियल। लेकिन दोस्तों आप लोग ऑलरेडी हमको जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते होंगे तब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हम एक लोकल क्षेत्र का, मैं एक यूट्यूबर हूँ जो कि एक डीजे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, और मेरा नाम है सुमित, और मैं इसी तरीके से आप लोगों को प्रेजेंट करता हूँ, इसी तरीके से वीडियो बनाता हूँ, ताकि भैया अपने हिसाब से वीडियो बना रहे तो भैया का फर्ज है कि सबसे परिचय करवाएंगे, सिर्फ मेरे से नहीं सबसे। बाकी इधर देखते हैं, हेलो मेरा नाम हुआ बबलू कुमार, मेरा चैनल का नाम है बबलू केडी ब्लॉग, जो कि बोकारो से है, आपको सारा अपडेट मिल जाएगा जो कुछ भी होता है। और दोस्तों एक चीज दो भाई से पूछना चाहेंगे, ये भाई से एंड ये भाई से, जब भी डीजे बजता है तो ऐसा करना क्या जरूरी होता है क्या? मतलब क्या होता है कि वहाँ पे 10 आदमी खड़ा रहता है, 10 आदमी को ऐसे करने का जरूरत नहीं होता है, बाकी ये लोग भाई जो है ये लोग ऐसा करते हैं, मतलब इन लोगों को क्या ही लगता है, बोलिए थोड़ा। देखिए ये थोड़ा क्लिक बट हम लोग करते हैं ताकि ऑडियंस बहुत थोड़ा अंदर आए वीडियो के अंदर, ठीक है, थोड़ा हाइप बनता है वीडियो में कि भाई क्या हुआ उस वीडियो में, बस भाई ये क्लिक बाकी रियल में क्या ऐसा होता है। हां भाई थोड़ा बहुत होता है यार, चलिए ग्रुप पर ये देख के चलिए खाना खाने के लिए सर, चलिए खाना खा लेते हैं, खा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, खा के आ गए ऑर्डर में तो अभी जितने भी यूट्यूबर यहाँ पे आए हुए हैं सबको पंकज भैया इन्वाइट किए हुए हैं कि आप लोग यहाँ पे डिनर कर लीजिए, सबके लिए बना हुआ है,
बाकी देखिए जितने भी यूट्यूबर भाई लोग हैं और यहाँ के स्टाफ जो भी हैं सबको यहाँ पे अभी विजिट कर चुके हैं, जो कि यहीं पे अभी सबका डिनर होने वाला है। काफ़ी अच्छा सुविधा किए हुए हैं पंकज भैया। तो अभी हो रहा है, देख पा रहे होंगे लगभग 11-12 बजने ही वाला है और फिर से पानी स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग भी यहाँ पे अभी फंस चुके हैं। तो अब मैं आप लोगों को कंटिन्यू दिखाऊंगा मॉर्निंग में, जो कि अभी 15 बेस लग चुका है और 15 अभी बाकी है। बाकी आइए आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरह का हम लोगों का सुविधा मिला है। अभी पंकज भैया भी देखिए रात को जगे हुए हैं और यहाँ पे रितेश भाई हम लोगों के लिए देखिए किस तरह का सुविधा दिए हुए हैं। अभी एक जो त्रिपाल है उसको यहाँ पे दिए हुए हैं, मतलब अभी जितने भी यूट्यूबर भाई लोग हैं सबको यहीं पे सोने वाले हैं। बाकी सारा क्रेडिट भाई को जाता है, बताइए क्या कुछ होगा। देखिए जितने भाई आए हुए हैं सब अपना ही भाई है, तो सबको सुविधा देना मेरा जिम्मेवारी है, क्योंकि भाई लोग कहीं ना कहीं यहाँ हम लोग का गोदाम आए हुए हैं, तो सबको जो है सुलाने का जिम्मेदारी मेरा है। इसलिए भाई के लिए थोड़ा जोगाड़ लगाएं, त्रिपाल वगैरह सारा कुछ, बाकी ऊपर में पंखा वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है। ये रहा देखिए, एंड मौसम भी काफ़ी ज़्यादा जो है समझ ही सकते हैं ठंडा ठंडा है, तो अगर ज़रूरत पड़ेगा तो ओढ़ने के लिए भी कुछ चीज़ लाएंगे भाई लोग के लिए। बाकी बताइए सेटअप के लिए किस तरह का क्या कुछ होने वाला है। सेटअप अभी देखिए कुछ कुछ पीस लोडिंग हुआ है, मैंने 15 पीस लग चुका है, 15 पीस लोडिंग हो चुका है एंड मशीन कुछ कुछ चढ़ चुका है, कुछ कुछ एम्पलीफायर वगैरह बाकी जो है अभी पानी पड़ने के कारण से अभी त्रिपाल जो है उसमें ढाप दिया गया है, एंड जब भी छूटेगा उसके बाद प्रोसेसिंग जो है कंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों, और अभी देखिए यहाँ पे कौन कौन है, रूपरंजन यहाँ पे, उमेश, पवन, रितेश भाई, आप लोगों का क्या नाम हुआ, पंकज, उनका भैया का माधा। तो ये था कुछ, अभी सब भाई लोग अभी हम लोग रात में यहीं पे सोने वाले हैं, वो भी फर्स्ट टाइम और काफी अच्छा लग रहा है, तो इस यूट्यूबर भाई लोग सब भाई एक साथ सोने वाले हैं, तो काफी ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए वीडियो को फिर हम लोग मॉर्निंग में कंटिन्यू करेंगे जिस टाइम पे लोडिंग हो जाएगा। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, और जैसा कि कल रात को बारिश की वजह से पूरा फुल बेस लोड नहीं हो पाया था, फाइनली अभी मॉर्निंग हो रहा है और अभी हो रहा है 6:30 और मैं उठ चुका हूं। तो चलिए आप लोगों को फाइनली लुक दिखाता हूं किस लुक पे इस बार बांधा गया है, तो इस बार आप लोगों को कुछ अलग लुक पे दिखेगा। तो चलिए चलते हैं, और ये रहा ट्रक, इसी ट्रक पे बांधा हुआ है, रात को तो मैंने आप लोगों को दिखाया था। ये रहा डीजे पंकज कैबिनेट। तो ये रहा फाइनली लुक, जो कि इस बार आप लोगों को न्यू लुक पे देखने को मिलेगा। ये रहा 30 बेस और मिड प्रेशर लगा हुआ है, 6×12 मिड प्रेशर, और पंकज भैया का लोगो काफ़ी नेक्स्ट लेवल का ये लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये लुक कैसा लगा। सो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये लुक कैसा लगा, और फाइनली अब हम लोग इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, और 9-10 बजे के बीच आप लोगों को यहाँ पे साउंड टेस्टिंग देखने को मिलेगा, जो कि मेरे चैनल पे भी आएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।